Hello students, very good morning to all of you. This is Sugan Chaudhary and today we will do textual question answers of our chapter 11, the case for defense. So let's start our question answers. Our first question is, describe the appearance of the convict. कि जो आरोपी था उसकी appearance कैसी थी, वो देखने में कैसे दिखता था. The convict was a heavy stout man. हैवी स्टाउट मैन का मतलब क्या होता है, जैसे लंबा भारी हट्टा कट्टा पर्सन था. विद बल्जिंग ब्लडशेड आइज, बल्जिंग मीन्स जिसकी बाहर निकली हुई आइज हों. ऑल हिज मसल्स सीम्ड टू बी इन हिज थाइज, उसकी मसल्स थी ऐसे लगता था जैसे सारी की सारी मसल्स उसकी थाइज में ही हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उसकी मसल्स क्लियरली विजिबल होती थी. ही वॉज वेयरिंग ग्लोव्स, उसने उस टाइम ग्लोव्स पहने हुए थे. एंड ही हैड हैमर इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में एक हथौड़ा लिया हुआ था. So, ये उसकी अपीयरेंस है. So, our question number second is, what did Mrs. Salmon see at night? कि रात को मिसेस सालमन ने क्या देखा? Mrs. Salmon, one day, Mrs. Salmon was not able to sleep. एक दिन क्या हुआ, जो मिसेस सालमन थी, वो रात को सोते हुए उन्हें नींद नहीं आ रही थी. She was unable to sleep. She heard a door click shut. उन्हें ऐसे लगा जैसे कोई उनका, जैसे दरवाज़ा बंद हुआ हो. And thought it was her own gate, और उन्हें लगा शायद उनका खुद का घर का गेट ही है. So she went to the window, वो विंडो पे गई देखने के लिए कि कहीं उनका गेट में पे कोई है तो नहीं. And so one man कौन था, वो एडम था. उन्होंने एक पर्सन को देखा, एडम को उन्होंने देखा उस टाइम ऑन द स्टेप्स ऑफ मिसेस पार्कर्स हाउस, जो कि मिसेस पार्कर के जो स्टेप्स थे, यानी कि जो उसकी सीढ़ियों थी, वो वहाँ पे था. एंड ही वॉज वेयरिंग ग्लोव्स एंड ही हैड हैमर इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में ग्लोव्स पहने हुए थे एंड उसने अपने हाथ में एक हथौड़ा लिया हुआ था, क्योंकि वो जस्ट मर्डर करके आया ही था. किसका? मिसेस पार्कर का. सो यहाँ पे ये एडम्स के बारे में बताया हुआ है एंड मिसेस पार्कर ने रात को ये देखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, हु वर फोर विटनेसेस टू टेस्टिफाई दैट एडम्स वॉज द मर्डरर. कि ऐसे चार वो लोग कौन थे जिन्होंने देखा था, टेस्ट किया था कि ये जो एडम्स है वो क्या है, मर्डरर ही है. सो जो चार कैरेक्टर्स थे, जो चार विटनेस थे, वो कौन कौन थे? फर्स्ट थी मिसेस सालमन, सेकेंड थी हेनरी मैकडॉगल, थर्ड मिस्टर व्हीलर एंड वन विटनेस एट लॉरल एवेन्यू. ये उस प्लेस का नेम है जहाँ पे जो उनकी जो स्ट्रीट थी वहाँ पे. सो ये उनके फोर विटनेसेस थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, व्हेन डिड मिस्टर मैकडॉगल सी एडम्स. जो मिस्टर मैकडॉगल थे, जो हमारी सेकेंड विटनेस थे, उन्होंने एडम्स को कब देखा? मिस्टर हेनरी मैकडॉगल वॉज ड्राइविंग होम फ्रॉम बेनफ्लिट लेट. कि वो बेनफ्लिट से थोड़ा सा लेट आए थे. एंड ही सो दैट एडम्स वॉज रनिंग डाउन एट द कॉर्नर ऑफ द नॉर्थवुड स्ट्रीट. जो उन्होंने जो एडम को बिल्कुल रोड के बिल्कुल सेंटर में देखा था, बिल्कुल मिड में देखा था, एंड वो नॉर्थवुड स्ट्रीट के कॉर्नर पे था. नेक्स्ट इज, हाउ डिड मिस्टर व्हीलर सी एडम्स. जो मिस्टर व्हीलर थे, जो हमारे थर्ड विटनेस थे, उन्होंने एडम्स को कैसे देखा? मिस्टर व्हीलर लेफ्ट द नेक्स्ट डोर टू मिसेस पार्कर. जो मिसेस पार्कर से जो नेक्स्ट डोर था, वो वहाँ पे मिस्टर व्हीलर रहते थे. एंड ही वॉज वेकंड अप बाय अ नॉइज लाइक अ चेयर फॉलिंग थ्रू द थिन एज पेपर विला वॉल. वो रात को उनकी नींद खुली क्योंकि बाहर थोड़ी सी नॉइज हुई, जैसे कि चेयर गिरती है इस तरह से आवाज़ आई थोड़ी सी. एंड जो वॉल थी दैट वॉज थिन एज पेपर विला, यानी कि वो इतनी थिन थी, इतनी पतली थी जैसे कि एक पेपर होता है. सो उन्हें वो आवाज़ बिल्कुल अंदर तक क्लियरली ऑडिबल थी. सो उस चीज़ से वो जाग गए. सो ही गॉट अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. तो वो उठे और उन्होंने विंडो से बाहर देखा. एंड सो एडम्स बैक एज ही टर्न. एंड जैसे ही मतलब उन्होंने देखा तो एडम ने ऐसे टर्न किया एंड ही सो हिज बल्जिंग आइज. उसके बाद उन्होंने उसकी बाहर वो निकली हुई आइज देखी थी. इस तरह से जो मिस्टर व्हीलर थे, उन्होंने एडम्स को देखा था. व्हाई वॉज मिसेस सालमन कंसीडर्ड एन आइडियल विटनेस. कि जो मिसेस सालमन थी, उनको एक आइडियल विटनेस, यानी कि जिस इंसान के ऊपर वो पूरा ट्रस्ट किया जा सके, भरोसा किया जा सके, उन्हें एक आइडियल, एक आदर्श विटनेस क्यों बोला गया? बिकॉज मिसेस सालमन हैड एन एक्सप्रेशन ऑफ ऑनेस्टी, केयर एंड काइंडनेस. जो मिसेस सालमन थे, वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट लेडी थी, बहुत ज़्यादा केयर थी, केयर करती थी एंड बहुत ज़्यादा काइंड थी. एंड स्लाइक स्कॉटिश स्कॉट एक्सेंट, जो उनका एक्सेंट था, जो उनका बोलने का तरीका था, वो स्कॉट लैंग्वेज में था, जिसे स्कॉट के जो लोग बोलते हैं. सो शी वॉज कंसीडर्ड एज आइडियल विटनेस. इसलिए उन्हें कंसीडर किया गया कि वो एक आइडियल विटनेस है.
What was the final verdict and what was surprising about it? कि in the end क्या हुआ, finally क्या न्याय हुआ, क्या फैसला हुआ और उस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा surprising चीज़ क्या थी? The final verdict was that the man was acquitted for the lack of evidence. क्योंकि last में वो twins brothers निकले थे तो किसी के पास भी proper evidence नहीं था, proof नहीं था कि कौन real जो जिसने क्राइम किया है वो कौन है. सो लास्ट में लैक ऑफ एविडेंस की कमी की वजह से दोनों को बरी कर दिया गया था बिकॉज दे वर ट्विंस. द विटनेस डिड नॉट नो वेदर ही हैड कमिटेड द मर्डर और हिज ब्रदर. जो देखने वाले लोग थे वो भी क्लियर नहीं थे कि जो मर्डर किया है वो किसने किया है या फिर उसके भाई ने किया है, तो वो इस बारे में श्योर नहीं थे. एंड लास्ट के अंदर जो उनका एंड क्या हुआ, जैसे कि वो कोर्ट के बाहर खड़े थे तो बहुत ज़्यादा क्राउड आ रही थी. सो क्राउड ने क्या किया, एक बंदे को पुश कर दिया एंड जिसकी बस के नीचे आने से जिसकी डेथ होगी. सो दो दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे हैज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड. उसका असाधारण दिन का एक ये असाधारण एंड भी था. सो क्या हुआ था, वन ऑफ द ट्विंस वॉज डेड. उनमें से एक जो ट्विन था उसकी डेड हो, उसकी डेथ हो गई थी. तो ऐसे बोला जा रहा था कि ये तो भगवान का न्याय है, ये एक डिवाइन न्याय है जो कि ईश्वर ने किया है जिसकी गलती थी. सो गॉड हैज सुप्रीम पावर. जैसे पता है कि भगवान के पास सुप्रीम पावर है. सो ही डज जस्टिस विद ऑल इन हिज ओन वे. उन्होंने एक अपने तरह से जस्टिस किया, उन्होंने एक अपनी तरह से न्याय किया है. So this was all about its question answers of this chapter. This is very interesting chapter. And students, अगर आपने इस chapter की story भी read करनी हो तो फिर आप मेरी पुरानी video पे देख के जा सकते हैं जो कि playlist में class 8th के name से है. And इसके बाद हम अपनी textual जो exercise है हम वो करेंगे. I hope you like this video. So thank you very much. Have a beautiful day. अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो या आपको कोई भी doubt हो, any query हो, then you can directly comment in the comment section. So thank you.